नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद रत्नेश पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे समाज पर आधारित प्रश्नों की। समाज क्या होता है और इसके भेदों की चर्चा हम इसके पहले के ही वीडियो में कर चुके हैं। जिन भी मित्रों ने समाज का इसके पहले का वीडियो ना देखा हो वो प्लीज़ जाके देख लें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अव्यय, सेकेंड ऑप्शन संधि, थर्ड ऑप्शन छंद, फोर्थ ऑप्शन समास। तो इसका राइट आंसर है समास। दोस्तों, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं जबकि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, फर्स्ट विग्रह, सेकंड विस्तार, थर्ड संक्षेप, फोर्थ विच्छेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड संक्षेप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय भाव समास है। फर्स्ट यथाइष्ट, सेकंड कुमारी, थर्ड त्रिलोक, फोर्थ देवासुर। तो इसका राइट आंसर है यथाइष्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय होता है और मोस्टली पूर्व पद उपसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हों, वह है ऑप्शन फर्स्ट कर्मधारय समास, ऑप्शन सेकंड अव्यय भाव समास, ऑप्शन थर्ड बहुव्रीहि समास, ऑप्शन फोर्थ द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है और अव्यय भाव समास की बात करें तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। द्विगु समास की बात करें तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद के विशेषण विशेष संबंध हो वह कहलाता है। फर्स्ट है द्विगु समास, सेकंड कर्मधारय समास, थर्ड द्वंद्व समास, फोर्थ नये समास। तो इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में का के की लुप्त हो जाता है तो कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपादान तत्पुरुष, सेकंड करण तत्पुरुष, थर्ड संबंध तत्पुरुष, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसके पहले एक चार्ट देख लीजिए, यह है कारक और उसके चिन्ह की। कारक है पहला कर्म जिसका कि चिन्ह है को, सेकंड है करण जिसका चिन्ह है से या के द्वारा, थर्ड है संप्रदान जिसका चिन्ह है के लिए, फोर्थ है अपादान यानी कि से अलग होने के सेंस में, संबंध जिसका कि चिन्ह है का के की, और अधिकरण इसका चिन्ह है में पर। इस वाले क्वेश्चन में बात की गई है कि किस समास में का के की लुप्त हो जाता है, तो यहाँ पे का के की किस कारक का चिन्ह है, ये है संबंध कारक का चिन्ह। तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को दूसरे उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें कि को चिन्ह का लोप हो जाता है, तो उसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है। फर्स्ट ऑप्शन है अव्यय भाव समास, सेकंड ऑप्शन द्विगु समास, थर्ड ऑप्शन द्वंद्व समास, फोर्थ ऑप्शन तत्पुरुष समास।
तो इसका राइट आंसर है द्वंद्व समास। फ्रेंड्स, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पद या तो अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं, या फिर इक्वली प्रधान होते हैं। यहाँ पर देवासुर है, यानी कि देव और असुर, तो दोनों ही जो है वो अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समास है? फर्स्ट अव्ययभाव समास, सेकंड बहुव्रीहि समास, थर्ड कर्मधारय समास, फोर्थ द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है बहुव्रीहि समास। इसके पहले के ही लेक्चर में निशाचर का उदाहरण लिया गया था। निशाचर का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। तो यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, जो कि है राक्षस। तो यहाँ पे होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है? फर्स्ट कर्मधारय समास, सेकंड अव्ययभाव समास, थर्ड द्विगु समास, फोर्थ तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर होगा नीलकंठ में कर्मधारय समास है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ऑप्शन में बहुव्रीहि समास भी होता तो कर्मधारय समास पे मार्क ना करके बहुव्रीहि समास पे मार्क करते, क्योंकि बहुव्रीहि समास सबसे अधिक प्रधान होता है। तो अगर एक ही क्वेश्चन में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु और बहुव्रीहि समास आए तो हमेशा मार्क आप बहुव्रीहि समास पर ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नीलकंठ में पूछा गया है समास, यहाँ पे बहुव्रीहि समास ऑप्शन में दिया नहीं गया है, केवल कर्मधारय समास है, तो यहाँ पे मार्क कर्मधारय समास पे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन करण तत्पुरुष, सेकंड अधिकरण तत्पुरुष, थर्ड अपादान तत्पुरुष, फोर्थ संप्रदान तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर है अधिकरण तत्पुरुष। पुरुषोत्तम का अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पुरुषों में उत्तम, और अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है में और पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? पहला पराधीन, दूसरा आप बीती, थर्ड राजपुत्र, फोर्थ गौशाला। दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें आप बीती में, जो कि सेकंड ऑप्शन है, इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा आप पर बीती। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण बताना है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। तो आप बीती का विग्रह करने पे आ रहा है आप पर बीती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि आप बीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? फर्स्ट दोपहर, सेकंड चौराहा, थर्ड टकाटक, फोर्थ विश्वहर। तो इसका राइट आंसर होगा टकाटक। अव्ययभाव समास में कोई एक ही शब्द की पुनरावृत्ति अगर होती है, यानी कि कोई एक ही शब्द अगर बार बार आता है, तो वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है। टकाटक में एक ही शब्द दो बार आ रहा है, तो यहाँ पे अव्ययभाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है? फर्स्ट द्विगु समास, सेकंड कर्णधारय समास, थर्ड द्वंद्व समास, फोर्थ बहुव्रीहि समास। फ्रेंड्स, अगर मृगनयनी का समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा मृग के समान नयन वाली। तो यहाँ पे इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है उसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि मृग के समान नयन वाली, तो इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसीलिए मृगनयनी में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन कर्मधारय, सेकंड द्विगु, थर्ड द्वंद्व, फोर्थ बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। पंचवटी यानी कि पांच वटों का समूह,
द्विगु क्या होता है? द्विगु में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होना चाहिए और जो संख्यावाचक शब्द है वो किसी समूह की ओर बोध करता हो। तो पंचवटी यानी कि पांच वर्णों का समूह हो, तो पहला पद जो है वो संख्यावाची भी है और संख्यावाचक शब्द एक समूह को भी दर्शा रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यादान में कौन सा समास है? पहला अव्ययीभाव, दूसरा द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष, चौथा बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, तत्पुरुष। कन्यादान का विग्रह हो जाएगा कन्या का दान, जिसमें कि का लोप हो गया है और बन गया है कन्यादान। तो का के की का लोप होता है वो होता है संबंध तत्पुरुष में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? पहला द्विगु समास, सेकंड कर्मधारय समास, थर्ड द्वंद्व समास, फोर्थ बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। युधिष्ठिर का अगर विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा युद्ध में स्थिर है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समस्त पद में कर्मधारय समास है? पहला वनवास, दूसरा आजन्म, तीसरा आपबीती, चौथा काली मिर्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, काली मिर्च। काली मिर्च में अगर विग्रह करेंगे तो इसका होगा वो मिर्च जो कि काली हो। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध आ रहा है पूर्व पद और उत्तर पद में, इसलिए काली मिर्च में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित समस्त पद का विग्रह है। फर्स्ट अकाल का पीड़ित, सेकंड अकाल से पीड़ित, थर्ड अकाल के लिए पीड़ित, फोर्थ अकाल को पीड़ित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अकाल से पीड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समस्त पद में तत्पुरुष समास है? पहला लौह पुरुष, दूसरा मनमयूर, तीसरा रसोई घर, चौथा देहलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसोई घर। रसोई घर का अगर विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर, जहाँ पर के लिए का लोप होकर हो गया है रसोई घर, इसलिए रसोई घर में तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है? पहला संबंध तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा अव्ययीभाव, चौथा द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तरखंड प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, जबकि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास की अगर बात करें तो इसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, जबकि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।